डॉक्टर असीम गुप्ता अपने एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, एनेस्थेलॉजिस्ट थे। आईसीयू में उनकी ड्यूटी थी और कोरोना के पेशेंट्स का इलाज करने का उनकी ड्यूटी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से। उनके सभी साथी बताते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ और कितनी मेहनत के साथ वो पेशेंट्स की सेवा किया करते थे। कोरोना के मरीजों की सेवा करते करते 3 जून को उन्हें खुद कोरोना हो गया। अस्पताल में भर्ती हुए और अंत में वो कोरोना से लड़ते लड़ते हम सबको छोड़ के चले गए। उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। आज सुबह उनकी वाइफ से मेरी लंबी बात हुई। उनकी वाइफ को भी कोरोना हो गया था, लेकिन उनकी वाइफ कोरोना से बाहर निकल आई हैं और वो अब स्वस्थ हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर असीम गुप्ता की आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे। ऐसे लोगों की वजह से ही आज हम लोग कोरोना से लड़ पा रहे हैं। डॉक्टर असीम गुप्ता हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं और हम सब दिल्लीवासी और देशवासी उनकी इस सेवा को नमन करते हैं। दिल्ली सरकार उनके सम्मान में उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोग देश की, इंसान की सेवा करते करते हंसते हंसते छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ये एक छोटी सी राशि है जो देश की तरफ से, लोगों की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से उसके पर उनके परिवार को दी जाएगी। कुछ दिन पहले तक, कुछ हफ्ते पहले तक दिल्ली में बेड्स की बहुत समस्या थी। लोग अस्पतालों के दर दर की ठोकरें खाते थे। अगर कोई घर में कोरोना से बीमार हो जाए तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल, जिस अस्पताल में जाते थे सुनने को मिलता था कि बेड भरे हुए हैं, बेड भरे हुए हैं, बेड खाली नहीं है। मेरे पास बहुत फोन आते थे। रात रात भर मैं जाग के लोगों के लिए अलग अलग अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम करता था। पिछले 1 महीने में हम लोगों ने कई कदम उठाए जिसकी वजह से आज दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। 13,500 अभी बेड्स हैं कोरोना के, और उनमें से केवल 6,000 भरे हुए हैं, 7,500 खाली हैं। तो बेड्स की कमी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं प्लाज्मा को लेके काफी अफरा तफरी मची हुई है। अब मेरे पास खूब फोन आ रहे हैं लोगों के। लोग कहते हैं जी हमारे फलाना मरीज बीमार है, उसको प्लाज्मा दिलवा दीजिए, इसको प्लाज्मा दिलवा दीजिए, और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली में, दिल्ली सबसे पहला राज्य था देश में, आप लोगों को याद होगा, लगभग 2-2.5 महीने पहले मैंने बताया था कि हम लोग प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कर रहे हैं। हमने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया, 29 मरीजों के ऊपर किया। जो नतीजे आए वो काफी उत्साहवर्धक थे। कोरोना में 2 चीजें होती हैं मरीज को, एक तो उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। हमारा ऑक्सीजन का लेवल 95 होना चाहिए,
ये अगर 90 पहुंच जाता है, 85 पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है तो खतरनाक हो जाता है। तो एक तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और दूसरा रेस्पिरेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है। रेस्पिरेशन का लेवल 15 होना चाहिए, ये 20 पहुंच जाता है, 25 पहुंच जाता है, 30 के ऊपर पहुंच जाता है। ये देखने में आया कि अगर प्लाज्मा दे दिया जाए तो ऑक्सीजन के लेवल में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है और रेस्पिरेशन का लेवल भी गिर जाता है, कम हो जाता है। तो 29 पेशेंट्स को हमने दिया, उसके अच्छे नतीजे आए, उसे हमने केंद्र सरकार को सौंपा और उसके आधार पे केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी। अब प्लाज्मा थेरेपी की तो इजाजत मिल गई, लेकिन प्लाज्मा कहां से आए? प्लाज्मा वो लोग दे सकते हैं जो अभी कोरोना जिनको हुआ और वो ठीक हो गए, जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनके खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। अगर उनके खून से प्लाज्मा निकाल के कोरोना को के मरीज को दे दिया जाए तो कोरोना का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बननी चालू हो जाती हैं। तो इस टाइम लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। देश भर में ये शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। हम ये नहीं कह रहे कि केवल सरकार प्लाज्मा ले पाएगी और अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहे तो कोई और नहीं ले सकता, हम ये नहीं कह रहे। अगर कोई फैमिली है, उन्हें प्लाज्मा चाहिए, उनका दूसरा कोई रिश्तेदार है, वो कोरोना से ठीक हुआ, वो दे रहा है, तो ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी जो हमारा मकसद है, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको और मजबूत करना, उसको कमजोर करना नहीं है। तो हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं पिछले 2-3 दिन में, और इस प्लाज्मा बैंक से सभी को प्लाज्मा मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। कोई सीधे ILBS जो हमारा अस्पताल है दिल्ली सरकार का, वहां पे प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो डॉक्टर को या अस्पताल को प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि इनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। कोई खुद के नहीं कह सकता कि मेरा फलाना बीमार है इसलिए मुझे प्लाज्मा दे दो, डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है। और डॉक्टर या हॉस्पिटल ILBS को अप्रोच करेंगे और ILBS उन्हें प्लाज्मा दे देगा। ये प्लाज्मा बैंक हमारा 2 दिन में शुरू हो जाएगा, इसकी सारी कार्रवाई हम लोग पूरी कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को सामने आके प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा। अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन इस कोई व्यवस्था नहीं है, अब इसकी व्यवस्था बना दी जाएगी। तो जो लोग ठीक हो गए उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिंदगी में किसी की जान बचाने के कम मौके मिलते हैं, ये मौका आपको मिला है। मेरी सब लोगों से, जो जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि आप सब लोग सामने आके खुल के प्लाज्मा डोनेट कीजिए ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। एक तरह से यही सच्ची भगवान की सेवा है, एक तरह से यही सच्ची भगवान की भक्ति है। मैं ये बता दूं कि ये गलत फहमी ना हो कि प्लाज्मा कोई संजीवनी बूटी है, प्लाज्मा से सबकी जान बच जाएगी। अगर कोई पेशेंट
अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, कोमोर्बिडिटीज हैं, दूसरी बीमारियों से घिरा हुआ है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुके हैं, वेंटिलेटर पे जा चुका है, ऐसे पेशेंट्स को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन जो पेशेंट्स अभी मॉडरेट स्टेज में हैं, अभी उनकी स्थिति खराब नहीं हुई है बहुत ज्यादा, उनको उनके लिए ये मददगार साबित होता है, इतना समझ लिया जाए। एलएनजेपी के हमारे जो हेड हैं डॉक्टर सुरेश, उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 35 मरीजों को प्लाज्मा दिया है, जिसमें से 34 बच गए, एक की मौत हुई। एक और दिल्ली का प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने 49 लोगों को प्लाज्मा दिया, 46 लोग बच गए। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है ये जो 34 लोग हैं और 46 लोग हैं वैसे भी बच जाते उनमें से कितने, लेकिन ये एक आंकड़ा है, उसमें से कितने बचते कितने नहीं बचते कह नहीं सकते। जो डोनर्स हैं उनकी कुछ उनके मन में गलत फहमियां हैं। एक तो डोनर्स को ये लगता है कि मैं दोबारा प्लाज्मा देने जाऊंगा, कोरोना के अस्पताल में जाऊंगा, कभी दोबारा कोरोना ना हो जाए। वैसे तो दोबारा कोरोना नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने व्यवस्था आईएलबीएस में की है, आईएलबीएस कोरोना अस्पताल नहीं है। आपके आने का जाने का टैक्सी का सारा इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी, बस आप हाँ कह दीजिए कि मैं कोरोना देना चाहता हूं, मैं प्लाज्मा देना चाहता हूं। और आईएलबीएस में अच्छी व्यवस्था की हुई है, मेरे ख्याल से आधा घंटा पौना घंटा लगता है आदमी को वो देने के लिए। अगले कुछ दिनों के अंदर हम नंबर जारी कर देंगे, उस नंबर पे जो जो लोग देना चाहते हैं उस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं कि मैं देना चाहता हूं, और उनसे संपर्क करके उनसे सारा इंतजाम कर दिया जाएगा उनसे प्लाज्मा लेने का। सरकार की तरफ से भी हम कॉल करेंगे, जितने पेशेंट्स अभी ठीक हुए उन लोगों को उन्हें मनाया जाएगा, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना प्लाज्मा दें। और ये जितने एंटीबॉडी टेस्ट हो रहे हैं, ये एंटीबॉडी टेस्ट से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना हो गया, ठीक हो गए, पता भी नहीं चला। एंटीबॉडी टेस्ट से पता चलेगा कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही है, वो कोरोना होकर ठीक हो चुका है। ऐसे भी बहुत सारे 52,000 लोग तो दिल्ली में भी रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक हो चुके हैं, और इसके अलावा ढेरों लोग ऐसे होंगे जो कोरोना हुआ ठीक हो गए उन्हें पता नहीं चला। ऐसे सब लोगों को प्रेरित किया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा दें, और हम और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें, उनकी जान बचा सकें। और इसमें सबसे अहम भूमिका मीडिया की होगी, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई राजनीति नहीं, हमें सबकी जान बचानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो। और सब में सब लोग आते हैं, तो उसमें पत्रकार भी आते हैं, उसमें सब किस, तो मेरी मीडिया के साथियों से खास तौर से निवेदन है कि आप लोग भी कैंपेन चला के अपने अपने चैनल पे, अपने अपने मीडिया हाउस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग प्लाज्मा डोनेट करें और दूसरे लोगों की जान बचाएं। शुक्रिया।